इंद्री की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर विचार किया गया। साथ ही किसान यूनियन के नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई। मीटिंग में बोलते हुए रतन मान ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। इन कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए किसान लगातार कई महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भारत की केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक दिल्ली से वापसी नहीं है। कुछ बयान इस तरह के आ रहे हैं के संसद को तोड़ देंगे, संसद में घुस जाएंगे, उसका घेराव करेंगे। ऐसा संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला नहीं है। शांति प्रिय तरीके से जाएंगे और शांति प्रिय तरीके से आएंगे और शांति प्रिय तरीके से अपना वहाँ किसान प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला युवा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन ने मुझ पर जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी व लगन के साथ उसे निभाऊंगा और सभी किसानों से अपील करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें। जब देश की आज़ादी की बात की तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खां, ये सब युवा थे और इन्हीं युवाओं की बदौलत देश को आज़ादी मिली। जो आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं वो इन्हीं की बदौलत ले रहे हैं। लेकिन अगर ये कानून देश में लागू हो गए तो दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी की देश में स्थापना होगी और ये देश फिर से गुलाम होगा।